है ये। बुली जी है। और सिस्टम तो असल में बड़े भाई बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है। अब अब आपकी रही बात सुने कि 100 करोड़ हो गए, तो ये 100 करोड़ लोग जिस दिन से चुनाव घोषित होगा उस दिन ही जो है ना चंद्रगुप्त स्थापित हो पाएंगे, राइट? बिल्कुल राइट, तो बिल्कुल राइट। जैसे ही चंद्रगुप्त स्थापित होंगे उनको टिकट मिल जाएगा, और फिर ये 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होके, अपने चबूतरे पे खड़े होके या दरवाजे पे खड़े होके, जिसके पास जो है उसके पास खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के चुनाव घोषणा से प्रतिदिन शाम को जो है वो संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं जिताऊंगा। तो ऐसे संकल्पित तो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो कि वोटर भी हैं, तो ये जितने भी दुष्ट सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात है क्या? कोई संशय नहीं, सिस्टम ही ऐसा है ना। तो आप ये बताइए कि ये दुष्ट राजनेता जिनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, जिन्होंने अपने बच्चों को ही प्रमोट करना है, ये हमारे चार चार पांच पांच छह छह बार से सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कायदे से इन्हें बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कोई मॉडल लेके नहीं आया, और ये हमें शुद्ध मूर्ख बनाते हुए 15 अगस्त और 26 जनवरी मना के ये हमें इस भ्रम जाल में फंसाते रहे कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा नेता अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून नहीं थोपता है, गुलामों की व्यवस्था नहीं थोपता है। आज आप थाने जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, दुष्ट और बाहुबलियों की जो है एफआईआर, झूठी एफआईआर भी आपके विरुद्ध जब वो दर्ज हो जाएगी, और आपको इनसे उससे विवश होना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मोनेन्द्र पाल जी, आपके दिमाग में यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। सवाल ये कहा गया कि हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है और बुत तो क्या चीज़ ढूंढे से खुदा मिलता है। तो जी हमारा लक्ष्य केवल खोज करना है सर, सुंदरतम अच्छी वस्तुएं जो कुछ समय तक टिक सकें। इसके 21 ऑब्जेक्टिव, जिनके ऑर्डिनेंस से लेके टेक्नोलॉजी बना ली गई है और कुछ उसमें रिफाइनमेंट जारी है, ये तो और 2024 में होना ही होना है। 2 मिनट हम और और देखो, चाहेंगे। और एक चीज और बता दें कि ये तो जब चीजें समझ में आएंगी, तो अभी आपने देखा होगा इन्होंने एलपीजी सस्ती कर दी है, आधी कर दी है, चुनाव के बाद ये फिर से दुगनी हो जाएगी, तो ये तो दुष्टता है, ये तो ये तो किसी सब के कुछ सगे ठीक नहीं है, है, ये तो थोड़ा इस पर भी हम 2 लाइनें बोलना चाहेंगे आपसे रिक्वेस्टली। बोलिए। एक सज्जन थे एमएलए, ये जो वोट मांगने आए थे, सज्जन थे एमएलए, ये जो वोट मांगने आए थे, पानी पीकर मेज पीटकर भाषण खूब सुनाए थे, कुछ जी पतले पतले से दुबले से ऐसा ढंग बनाए थे, मानो दरिद्रता देवी को वो कंधों पर बिठलाए थे। कर वाह। भाग दौड़ गए पहुंच सदन में, जाते ही मिल गई सीट, फिर मिला रूम आधुनिक ढंग का, दोनों वक्तों मिला मीठ। जिनके घर पर था फूस नहीं, चूहे खाते थे कलावाती, बन गए महल बन गए चल, सारे गोती सारे नाती, पीली वाह वाह वाह। शराब बन गए नवाब, झूम रहे जैसे हाथी, वाह नव युवती के गले हाथ दिए, जब इन्हें देखते पाता हूं तब मैं व्याकुल हो जाता हूं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर कविता है आपकी। और 2 मिनट और चाहेंगे, आज के भ्रष्टाचार के ऊपर भी 4 लाइनें लिखी हैं। जी दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, बिना जी सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता, जी देश की हालत बिगड़ रही, ऋषियों की फुलवाड़ी उजड़ रही, जी फूट घर घर में आई है, जी और चुनाव प्रणाली ने तो भाई आग लगाई है, जी जी मूर्ख भी राजा ये बन बदल जाता दिया है। जाएगा इसमें जो है, आप यदि हमारे 21 हाँ लक्ष्यों को देखेंगे तो उसमें उसे बदलने का प्रावधान है। अच्छा, फिलहाल तो सुनिए, कहीं पे गलती हो फौरन, मूर्ख भी राजा बन जाता, मनमानी कानून प्रजा को लूट लूट खाता, वोट गुंडों के अधिक पड़े,
राजनीति के ज्ञात रह जाए हाथों पर हाथ धरे, धर्म बिन राजनीति अंधी और राजनीति बिन धर्म है लंगड़ा, पीजा हुई है मदी, बनाए दिए पागल मतदाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता, न्याय नहीं हो अदालत में इसीलिए आ गया फर्क लोगों की आदत में, झूठ का पक्ष लिया जाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। बहुत सुंदर। लड़का वाना धरे ही जड़े ढोल बजाई रहे, और शेर विदा हो गए प्यार मिल ईद मनाई रहे। वाह। दशा कुछ कही नहीं जाती जी, निर्धन है बेचैन रात को नींद नहीं आती जी 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 जी, नए नए खुलते देखो पिक्चर पहले से यहाँ, बदमाशी के अड्डे हैं देखो कर गौर यहाँ, यही फैशन सिखलाते हैं और नंगेपन और कामुकता के पाठ पढ़ाते हैं जी। फिल्म ने देश पछाड़ दिया, हिया शर्म और लाज शर्म गहरे में गाड़ दिया जी जी जी, गुंडपन बढ़ता ही जाता, बिना सुनाए मेरे से रहा नहीं जाता। बहुत सुंदर। और एक कड़ी रह गई फिलहाल, वो भी बताएंगे, हालांकि ठीक है। बहुत सुंदर बात कही और बहुत ही यथार्थ वाली बात कही। देखो मुनेंद्र जी, एक चीज समझना पड़ेगी कि ये दुष्ट राजनेता इसलिए सफल हो गए अब तक क्योंकि किसी ने कोई मॉडल नहीं लाया, कोई किसी ने समाधान नहीं लाया। कुछ लोगों ने जागरूकता पैदा की लेकिन उससे असंतोष ही भड़का। उन्होंने कोई ऐसा मॉडल लेके नहीं आए जिससे इन सभी देश के सभी राजनेताओं को पराजित करें। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। केवल एक मिनट आएंगे सब, फोन आ रहा, अभी लगा रहे हैं।